अच्छा कुछ कुछ गायकों के मैं नाम लेता हूं और उनकी आप कुछ दो दो लाइनें सुनाएंगे। हाँ बताइए मुकेश। मुकेश। हाँ, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, हो सारंगा तेरी याद क्या में बात, किशोर कुमार। चिंगारी हाँ कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। क्या बात, रफी साहब। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद आपके दोस्त भी रहे और खैर है नहीं हमारे बीच, बहुत जल्दी दुनिया छोड़ कर गए, जगजीत सिंह साहब। हो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो जगजीत वापस, हाँ मगर मुझको लौटा दो जगजीत वापस, वो गजलें रूहानी वो शामें सुहानी, वो गजलें रूहानी वो शामें सुहानी। बर्मन दा, एसडी बर्मन दा। हाँ, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, यहाँ कौन है तेरा। भूपेंद्र भाई। भूपेन जी ने जो एक टीम बनाई थी उस टीम को हम भूल नहीं सकते। भूपेन जी, गुलजार साहब, आरडी बर्मन, इन लोगों ने मिलके जो काम किया है। दिल ढूंढता है क्या बात, फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसावुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। थोड़ा और पीछे चलते हैं। केएल सहगल साहब। हाय हाय हाय। बाबुल मुरार नैहर छूटोरी जाए, चार कहार मिले मुरी डोलिया सजावे, क्या बात, मोरा अपना बेगाना छूटोरी जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए। अनूप जी, ये सौभाग्य है कि हम आपसे, हमने ये सुना तो मुझे ये सवाल अभी दिमाग में आ गया। अप्पा जी कहती थीं कि एक गायकी इस बंदिश का एक तो यही मायने है सीधा सीधा कि बाबुल मेरा मोरा नैहर छूटो ही जाए। दूसरा ये भी है कि हम ये जो संसार है, हम जब इसको छोड़ के जाते हैं तो वो भी चार अर्थियाँ जो हैं वो भी चार कंधों पर ही होती हैं। तो एक कलाकार के तौर पर ये जो लाइनों के इतर जाकर समझना, उसको, उसके दर्शन को समझ लेना,
ये क्या कुछ होता है, ये प्रक्रिया कैसी होती है, और कभी आपने भजन में इस तरह की प्रक्रिया आपके सामने आई क्या? बहुत आती जी। अब एक भजन है जिसमें वर्णन होता है कि जो हाथी है वो पानी पीने गया और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अच्छा। फिर जब उसने उसके यहाँ तक पानी भर गया, नाक तक आने लगा, तो उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने आके बचा लिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये थोड़ी कि हाथी और मगर की कहानी, अर्थ ये है कि जो मनुष्य है वो माया मोह रूपी नदी में माया मोह की तलाश में जाता है, और वहां जो मगरमच्छ है जो उसका सर्वनाश करने के लिए तैयार बैठा है वो उसको पकड़ता है, और मनुष्य तब तक उस माया मोह के जाल से नहीं निकल सकता जब तक वो भगवान को नहीं पुकारेगा। जैसे भगवान को पुकारता है वो आते हैं और उसको माया मोह के जाल से छुड़ाते हैं। इसका अर्थ ये है। लोग समझते हैं मगरमच्छ की कहानी है, हाथी की कहानी, ऐसा नहीं है। अरे वो महान कवि लोग इतना लिख के चले जाएंगे क्या? तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया, लिख के चले गए। अब उस पर रिसर्च हुई कि है क्या क्या कहा क्या, तो कहा यह है कि भगवान राम के सुंदर स्वरूप की तुलना तुलसीदास जी करना चाहते हैं। उन्होंने लिख दिया रघुवर की छवि समान। अब रुक गए, अब क्या लिखें आगे? क्या चंद्रमा लिख दें, या सूर्य लिख दें, गुलाब का फूल लिख दें, कमल का फूल? ये तो सब उन्होंने बनाए हैं, कैसे उससे तुलना की जाए? तो अंत में हार के ये कह दिया कि भगवान राम का मुख इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का मुख है। ये रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया, तो ये लिख के बोलो न जाने क्या। आज भी भजन हम जितनी बार पढ़ते हैं नया अर्थ सामने आता है, और उस अर्थ को हम गाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई इसमें से ये नई चीज निकल आई आज आप लोगों को बताते।